بسم الله الرحمن الرحيم. सऊदी अरब में जद्दा बलदिया के सेक्रेटरी इब्राहिम अल जहरानी ने बताया है कि शॉपिंग मॉल में जाने वाले किसी भी शख्स का टेम्परेचर 38 से ज़्यादा होगा, इसे फौरी तौर पर करंटीना में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल्स खोलने के जवाबत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि हर माल के दाखिले पर टेम्परेचर देखने वाला अमला मौजूद होगा, जिसके भी जिस्म की दर्ज हरारत 38 यानी टेम्परेचर 38 या इससे ज़्यादा होगी, इसे घर वापस जाने की इजाज़त ना होगी। कोरोना के कुल मरीज 18,000 से ज़्यादा। तर्जमान सेहत डॉक्टर आली ने बताया कि मुल्क में कोरोना के मुतासरीन की मजमू तादाद बढ़कर 18,811 हो चुकी है। तर्जमान के मुताबिक 174 मरीज शिफा याब हो चुके हैं। सेहत याब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 2531 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज हलाक हुए हैं, जिनमें 2 सऊदी शहरी और 3 गैर मुल्की हैं। हलाकशुदगान की कुल तादाद 144 तक पहुँच चुकी है। वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर आली ने वाज़ेह किया है कि मुल्क भर में 16,136 एक्टिव केस हैं, इनमें से 117 की हालत बहुत नाजुक है। बहरान के आगाज़ से लेकर अब तक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 144 हो चुकी है। तर्जमान ने बताया कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार ना हुई है और ना ही इसका कोई पक्का इलाज रिपोर्ट हुआ है। तर्जमान वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस के नए मुतासरीन से मुतल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा कि जद्दा में 294, मक्का मुकरमा में 218, मदीना मुनव्वरा में 202, रियाद 178, बीश 126, अलजुबेल 107, अलखुबर 50, अलहफूफ 37, तमाम 26, अलजुल्फी 11, अलकतीफ 7, ताइफ 5, बाहा 5, ब्रीदा 4, तबूक 4, हाइल 3, जबकि अबा खमीस बशीद जम्बो जाजान अलतवाल दुमता अलजिंदल अलखरज साजर अलदरिया और सुकागा में एक एक केस रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब के मशरकी रीजन के महकमा सेहत ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 4,326 मरीजों के घरों तक अदविया फराहम की है। वेबसाइट के मुताबिक महकमा सेहत ने बताया कि कर्फ्यू के बाइस जो मरीज मुइम्मर बीमार या घरों से नहीं निकल सकते उन तक अदविया पहुंचाई जा रही है। महकमा सेहत ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के मुस्तकिल मरीज या वो जो शुगर या दिल के आर्जा में मुबतला हैं और वो मुस्तकिल तौर पर दवाई इस्तेमाल करते हैं, उनके घरों तक अदविया पहुँचाई जा रही है।